महाराष्ट्र में लॉकडाउन का डर, मुंबई से शुरू हुआ मजदूरों का पलायन, रेलवे स्टेशन पर उत्तर भारत के मजदूरों की भारी भीड़। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने एक बार फिर से भेजा नोटिस, सीआरपीएफ पर गलत बयानबाजी का आरोप, ममता बनर्जी को पहले भी मिल चुका है नोटिस। केरल में एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, आग की चेतावनी के बाद हुई इमरजेंसी लैंडिंग, विमान ने 17 यात्रियों के साथ कुवैत के लिए भरी थी उड़ान। और सेंट्रल रेलवे ने लोगों को किया सचेत, स्टेशन पर भीड़ के दिखाए जा रहे फेक वीडियो, मजदूरों के पलायन के वीडियो को बताया फेक। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। केरल के कोझिकोड से खबर है जहां पर सुबह सुबह एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक फ्लाइट में आग लगने का अलार्म बज गया, जिसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी कि विमान ने 17 यात्रियों के साथ कोझिकोड से कुवैत के लिए उड़ान भरी थी, विमान के कार्गो में आग लगने की बात सामने आ रही है। प्रवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को कोझिकोड से कुवैत के लिए उड़ान भरी गई, लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में अचानक आग लगने की चेतावनी वाला अलार्म बज गया, जिसके बाद पायलट ने बिना समय जाया किए केरल के कोझिकोड में आपातकालीन लैंडिंग की। लैंडिंग के बाद पायलट को पता चला कि विमान के कार्गो डिब्बे में आग लगी थी। केरल में वर्ष 2021 के लिए सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी के लिए परीक्षाएं गुरुवार को कोविड-19 के प्रोटोकॉल के साथ शुरू हो गई। SSLC की परीक्षा 29 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी, जबकि प्लस टू की परीक्षाएं 8 से 26 अप्रैल तक आयोजित की जानी है। इस साल 4,991 केंद्रों पर लगभग 9 लाख छात्र परीक्षा दे रहे हैं, जिनमें से 4,46,471 छात्र प्लस टू परीक्षा में शामिल होंगे और 4,22,226 नियमित छात्र और 990 प्राइवेट उम्मीदवार SSLC परीक्षाओं में शामिल होंगे। कोविड-19 स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अधिकारियों ने कड़े इंतजाम किए हैं। छात्रों को शरीर के तापमान के लिए थर्मल स्कैनर का उपयोग किया जा रहा है और किसी भी भिन्नता के मामले में उन्हें परीक्षा देने के लिए एक अलग कमरा दिया जाएगा। हैंड वॉश, सैनिटाइजर, मास्क छात्रों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। The plus two examination started in Kerala, and today the most of the students are coming to the higher secondary examination today. Here it is 456 students are writing the examination here. The chemistry examination, business studies examination, and history examination. That is the science, commerce, and humanities students are coming for examination today. And we have 456 students writing the examinations today. And under COVID protocol, we have arranged the necessary arrangements here for the pandemic. देश में कोविड-19 संक्रमण के कारण मौजूदा हालात को देखते हुए CBSE ने इस बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या में 50% तक का इजाफा किया है। CBSE का ऐसा करने के पीछे उद्देश्य सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना है। हालांकि कक्षा 10वीं और 12वीं की 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने सरकार से आग्रह किया कि वे मई में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दें या उन्हें ऑनलाइन मोड में आयोजित करें। जानकारी के मुताबिक CBSE ने 4 मई से होने जा रही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए 2,500 परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की है। हालांकि अधिकारियों ने यह भी कहा कि वे देश भर में दूसरी कोविड-19 की लहर के मद्देनजर परीक्षा रद्द करने की मांग पर विचार नहीं कर रहा और इसीलिए एग्जाम के शेड्यूल को नहीं बदला जाएगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है, तो वहीं सीएम ममता पर हमला करते हुए कहा कि ममता दीदी के बयानबाजी
कुछ ही दिन चलने वाली है। सावधानी और संयम बहुत जरूरी है, यही प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। दूसरी चीज, ये हमारे देश का ही सौभाग्य है कि हमारे पास जो है वो मेड इन इंडिया वैक्सीन है और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम हिंदुस्तान में चल रहा है। इतनी बड़ी आबादी है, 130-135 करोड़ की आबादी, और उसमें दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम अपने आप में एक बहुत ही संतोष का विषय है। और इसलिए जो है वो प्रिवेंशन के साथ साथ प्रिकॉशन, संयम के साथ साथ सावधानी, ये बहुत जरूरी है। देखिए, मोदी जी ने कमिटमेंट और कल्चर जो सत्ता का है वो बहुत बदला है। अब जो है वो बयानबाजी और लफाजी से काम नहीं चलेगा। अब आपको ग्राउंड पर जो है वो लोगों के हितों के लिए, लोगों के सरोकार के लिए, लोगों की सेहत और सलामती के लिए काम करना होगा। अब आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसे देश के नेता हैं जिन्होंने वर्क कल्चर को बिल्कुल पीपल फ्रेंडली बना दिया है, जनता के हितों को समर्पित होकर के बना दिया। इसलिए अब इस तरह के बहानेबाजी, इस तरह के एक्सक्यूजेज, मुझे लगता है ये सब पुरानी बातें हो गई, एक्सपायर बातें हो गई। सर, ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि 10 बार मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू मुसलमान और माहौल बिगाड़ने का काम भाजपा का नेता बनना लगा। दिया बुझने वाला होता है तो बहुत लौ बढ़ जाती है, तो जो वहाँ के गुंडे अराजक तत्व सत्ता के संरक्षण में अभी तक खुलेआम अराजकता और तांडव कर रहे थे, वो इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि उनके संरक्षकों की विदाई शुरू तय हो चुकी है, और संरक्षकों के उनके विदाई के साथ साथ इन लोगों की भी कहाँ जाना है, किस जगह पे इनकी जगह है, वो भी इन्हें पता है। इसलिए ये हताश और निराश होकर के, बौखला करके इस तरह की चीज़ें कर, सत्ता का गुरूर और अराजकता का सुरूर, ये दोनों चकनाचूर हो रहा है। और जब सत्ता का गुरूर और अराजकता का सुरूर जो है वो चकनाचूर होने की स्थिति में आता है तो इस तरह के बयान सुनाई पड़ते हैं। इसलिए कुछ दिन और दीजिए को इस तरह के। कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वरिष्ठ अफसरों को 13 जिलों में नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। ये सभी नोडल अधिकारी 15 दिनों तक संबंधित जिले में रुककर डीएम के साथ समन्वय स्थापित करेंगे और कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ 100 से ज्यादा संक्रमित वाले जिलों या 500 एक्टिव केस वाले जिलों की विशेष रूप से समीक्षा की थी और इन जिलों में एक एक वरिष्ठ अधिकारी भेजने का निर्देश दिया था। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उन्होंने अस्पताल में बेड की संख्या और उपचार की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। प्रदेश में कई जिलों में डीएम स्तर से नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए। गुरुवार को इन 13 नोडल अधिकारियों के तैनाती के आदेश दे दिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में मरीजों के उपचार और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी निर्णय अपने स्तर से लेंगे और उसे लागू करवाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की 24वीं बैठक की। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां उन्होंने कोरोना मरीजों से संबंधित कुछ आंकड़े पेश किए। हर्षवर्धन ने कहा, हमारी मृत्यु दर लगातार कम हो रही है और अभी मृत्यु दर 1.28% है। देश के अन्य भागों की तरह तमिलनाडु में कोरोना एक बार फिर से पांव पसार रहा है। जहां बीते दिन राज्य में 4,200 से ज्यादा केस सामने आए तो वहीं मदुरई में 111 मामले सामने आए, जिसके चलते मदुरई में कई इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया और इस दौरान इन इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। उधर हरियाणा में कोरोना की स्थिति पर सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी, तो साथ ही किसान आंदोलन पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बिल्कुल, हम जो प्रधानमंत्री जी ने कल दिशा निर्देश दिए हैं हम उन पर काम करेंगे और जो जो उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक गहन वैक्सीनेशन अभियान चलाने की बात की है वो भी हम करेंगे और जो उन्होंने कोरोना को रोकने के लिए कहा है वो सब हम करेंगे, हमने हिदायत दे रखी है। लेकिन मेरी चिंता वो नहीं है,
मेरी चिंता वो है कि जो हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर आज किसानों का इतना बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है, कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है, मुझे उनको भी कोरोना से बचाना है। नहीं, हम बिल्कुल जो प्रधानमंत्री जी ने जो जो आदेश दिए हैं हम उन पर विचार करेंगे और कार्रवाई करेंगे। और मैं केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री से मैं पत्र भी लिखने वाला हूं कि बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके ताकि इस जमावड़े को यहां से हटाया जा सके और इनकी समस्या का समाधान किया जा सके, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकाला जा सकता है। हरियाणा के अंबाला में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। अंबाला में कोरोना के इस साल के सबसे ज्यादा 199 पॉजिटिव केस सामने आए, तो वहीं दो लोगों की कोरोना की वजह से जान भी चली गई। मामलों की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जी, आज हमारे पास इस लहर के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं पॉजिटिव, जो हैं वो आज 199 केस हमने रिपोर्ट किए हैं, जिसके साथ ही हमारे पास कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 15,214 हो गई है। आज जिन मरीजों को छुट्टी मिली है उनकी गिनती 106 है और अब तक डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या 13,621 हो चुकी है। आज जिले में दो डेथ्स भी हुई हैं, जिसके साथ डेथ की जो गिनती है वो 169 यानी कि 169 हो चुकी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज अंबाला सिटी से 83, अंबाला कैंट से 32, चौड़मसपुर से 51, चौड़मसपुर जो कि अंबाला सिटी का पेरी अर्बन एरिया है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त तेजी के बाद सरकारें हरकत में आई है। दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ से लेकर भोपाल तक पाबंदियां लगा दी गई है। देश में करीब एक दर्जन राज्यों में अपने यहां नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी है। ऐसे में अब लॉकडाउन का खतरा बढ़ता देखकर प्रवासी मजदूरों का पलायन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बीते दिन दिल्ली पुणे से तस्वीरें सामने और अब मुंबई का भी यही हाल है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर उत्तर भारत के मजदूरों की भारी भीड़ देखी गई। हर कोई अपने घर को लौट जाना चाहता है, क्योंकि डर है कि कहीं अचानक से लॉकडाउन लग गया तो पिछले साल जैसे हालात बन जाए। आपको बता दें, मुंबई में शनिवार रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। हालात पिछले साल की तरह हो रहे हैं, ऐसे में प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस पर रोक लगाने के लिए तमाम बंदिशें लगाई जा रही है, और इसी कड़ी में कहीं वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, कहीं मास्क नहीं लगाने पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है और इससे लोगों में दहशत व्याप्त है। हालांकि पीएम मोदी समेत अन्य वरिष्ठ लोगों ने लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया है, फिर भी कुछ लोग लॉकडाउन को लेकर दहशत फैलाने में लगे हैं। इस बारे में रेलवे ने सचेत किया है। सेंट्रल रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि विभिन्न स्टेशन पर भीड़ दिखाने वाले कुछ पुराने और फेक वीडियो जारी किए जा रहे हैं। लोगों को ऐसी किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। परसों एक चैनल न्यूज चला रहा था कि मजदूर जो हैं वो लेबर प्लान कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक शॉट भी दिखाया जिसमें एक पैसेंजर दिखाया है और उसको वो पूछ रहे हैं कि आप जो है वो दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन होने की उम्मीद है। मैंने उनको ये बहुत क्लियरली उनको बताया कि जब बहुत से लोग प्लान करते हैं तो हजारों की संख्या स्टेशन के ऊपर आती है। आप पिछले 3 दिन से मैं मीडिया को नई दिल्ली स्टेशन पे ऊपर और आनंद विहार पे लेके जा रहा हूँ। मुझे और मेरे मीडिया बंधु जिन्होंने मेरे साथ वॉक थ्रू किया है, उनको ऐसा कोई भी प्लान जो है वो मजदूरों का प्लान नजर नहीं आया। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। देश में COVID-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी बीच दिल्ली के डॉक्टर रवि मलिक ने कोरोना के मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की और लोगों की लापरवाही को एक बड़ी वजह माना। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि 1,31,000 मामले तो ऑलरेडी हो गए हैं। डिस्टर्बिंग बात यह नहीं है कि 1,31,000 मामले हुए हैं, डिस्टर्बिंग बात है कि पिछले 3 हफ्ते के अंदर 6 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। और अगर हम पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने 8 मार्च को जो आंकड़ा था वो बहुत कम था, 15,000 का था। अब समझो 1,31,000 का हो गया, 9 गुना आंकड़ा बढ़ गया 1 महीने में। और अगर एक अगले महीने के अंदर 9 गुना का आंकड़ा बन गया तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हालत क्या हो जाएगी। हमारे यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा वीक है। 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। हमारी जो पब्लिक है वो लीडर्स की तरफ देखती है, वो लीडर्स की। चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हॉस्पिटल का जायजा ले रहे हैं। तो संक्रमण रोकने के उपायों पर यहां पर समीक्षा करते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन और पुलिस ने सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी है। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और इस बीच मुरादाबाद की सड़कों पर यमराज के रूप में उतरे कलाकार ने अपने अनूठे अंदाज में लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक करने की कोशिश की। यमराज ने हाथ में कागज का बना एक लाउड स्पीकर लिए घूम घूम कर ऐलान शुरू किया कि मास्क लगाओ नहीं तो मैं आ रहा हूं। यमराज के हाथ में जो लाउड स्पीकर है उस पर लिखा है, धरतीवासियों हमारा वर्कलोड ना बढ़ाओ, मास्क लगाओ और सोशल डिस्टेंसिंग रखो। कोरोना से बचाव के लिए कलाकार का यमराज रूप लोगों को काफी पसंद आया। यही नहीं, कई लोगों ने उनसे मास्क लगाने का वादा भी किया। उनमें से कुछ जेब में से मास्क निकालकर पहनते भी नजर आए। मास्क लगाओ नहीं तो मैं आ रहा हूं। 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 फैलाओ थोड़ा सा और। यम है हम
हम है ये, मास्क लगा नहीं तो मैं और हूं। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए धारा 144 लागू की गई है और इसके बावजूद अनेक इलाकों में लोगों का जमघट नजर आ रहा है। जिला अधिकारी तहसील कार्यालय भी इससे अछूता नहीं है। एहतियातन जिला अधिकारी कार्यालय का एक मुख्य द्वार बुधवार को बंद किया गया। सेतु कार्यालय भी बंद रहा, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। आम दिनों की तरह यहां बुधवार को भी लोगों की भीड़ नजर आई। जिला अधिकारी कार्यालय के मुख्य द्वार से सटे फुटपाथ पर आने वाले नागरिकों को लॉकडाउन के नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते देखा गया। वहीं बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधेंद्र भदौरिया ने कोरोना के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सा समय थाली बजाने में और शंख बजाने में गंवाया। तो साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में वैक्सीन के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को महाराष्ट्र में प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन पहुंचानी चाहिए। देखिए, कोरोना पिछले लगभग 1.5 वर्ष से पूरे विश्व को और विशेषकर भारत को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने बहुत सारा व्यर्थ का समय थाली बजाने में और शंख बजाने में गंवाया है। हमको कोरोना से लड़ने के लिए पूरी देश की जनता को वैक्सीनेट करना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। आज भी वैक्सीन की कमी हो रही है, वैक्सीन की पूरी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? और मैं विशेषकर उन लोगों को जो भारत का वर्कफोर्स है, जो 25 से 45 के बीच के लोग हैं, जो देश का आर्थिक तरक्की जिस पर निर्भर करती है, उसको वैक्सीनेट करने के लिए प्रधानमंत्री जी को और राज्य की सरकारों को तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सके, जनता की सुरक्षा की जा सके। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना की समस्या है पूरे देश में, वहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर ऐसे राज्यों में और ऐसे स्थानों पर वैक्सीन पहुंचानी चाहिए। कोरोना वायरस का संकट बढ़ते ही देश में सख्तियों की वापसी हो चुकी है। देश के कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, कई राज्यों ने लॉकडाउन का रुख किया है और इसी कड़ी में देश के कई हिस्सों में आज से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए राज्यों ने यह फैसला लिया है। वहीं मुंबई में वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत से पहले आज सुबह लोग बड़ी संख्या में बाजार पहुंचे। दादर की सब्जी मंडी में लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और लॉकडाउन से पहले सामान खरीदने की कोशिश में दिखाई दी। कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। जहां एक तरफ विपक्ष वैक्सीन की कमी को लेकर सवाल उठा रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ लगातार हो रही लॉकडाउन की चर्चा के बीच बीजेपी नेता गोपाल कृष्ण ने सफाई दी। उन्होंने पीएम मोदी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि हमारी स्थिति अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। बहुत स्पष्ट मैसेज दिया है कि कोविड की लड़ाई जो है वह अब हमारी स्थिति पहले से बहुत बेहतर है, क्योंकि वैक्सीनेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड है। लेकिन जनता के अंदर लापरवाही और जो स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज कर वह अगर करेंगे तो लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें टेस्टिंग और जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स सरकार ने, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकारों को और लोगों को कहें, उन्हें अपनाना पड़ेगा, तभी जाके इस लड़ाई में हम सफल। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री को देश बचाना चाहिए, ना कि रैलियां करनी चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। लाखों लोग, ये तो तब संख्या 1,30,000 जब टेस्टिंग नहीं हो रही, जो आपने कहा टेस्टिंग करो। अगर सही टेस्टिंग हो जाए तो ये संख्या कई गुना ज्यादा होगी। देश के साथ, देश की जनता के साथ खिलवाड़ मत करो, उनको मौत के मुंह में मत ढकेलो, जिम्मेदारी समझो। चुनाव होते रहे, होते रहेंगे, चुनाव छोड़ो, देश बचाओ। अगर नहीं करते हो तो आने वाली पीढ़ियां भी कभी माफ नहीं करेंगी। कोरोना वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा
कि अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों भी लिया। राहुल गांधी ने कहा कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। आपको बता दें, देश के कई राज्यों ने कोरोना वैक्सीन के डोज की कमी को लेकर केंद्र सरकार को जानकारी दी थी। राज्यों की ओर से दी गई इस जानकारी के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वैक्सीन को लेकर पक्ष रखा था। हर्षवर्धन ने कहा था कि चलिए अब डर खत्म करते हैं। आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन की 9 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। राज्यों के पास 4 करोड़ से ज्यादा का स्टॉक है। खबरें अभी और भी है, यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी सिर्फ अपने ऐप्स पर चर्चा करवाना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सचिन बाजे को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। महाआघाड़ी या महावसूली की सरकार दिन ब दिन एक्सपोज होते जा रही है। मुंबई हाईकोर्ट ने CBI अनुशंसा की थी। आप सोचिए कि क्या खौफ है इन लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया कि CBI की अनुशंसा ना हो। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ये साबित कर दिया सरकार ने। इस सरकार के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस पर संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की एक गंदी राजनीति, खर्चा करते हैं। दूसरा कि अभी तक आज तक नौकरी वोकरी कभी की नहीं, कहां से इतना संपत्ति जुटा ली, उसका भी चर्चा कर लें जरा। नेशनल हेराल्ड के बेल पर भी चर्चा कर लें। चर्चा से भागता कौन है? लेकिन राहुल गांधी तो आजकल की सिर्फ अपने फिटनेस, अपने एब्स, अपनी बॉडी पर चर्चा चाहते हैं। कटाक्ष करने का समय नहीं है, जनता में जाके काम करने का। चलिए एक बार फिर से आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जिस तरह से कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है, मरीजों में कई शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी और अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं, और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो तमाम उपाय हैं उसकी समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। इसके पहले जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड अस्पताल और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करते नजर आए थे और अब इसके बाद ये बैठक करते नजर आ रहे हैं। लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं और जांच का जो दायरा है वो भी यहां पर बढ़ाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जब उनसे राज्य नहीं संभलता तो केंद्र सरकार को दोष देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में खपलेबाजी जो है वो चल रही है। जाने आंगन टेढ़ा, अपनी गलतियां, अपनी नालायकियां का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही हैं ये सरकारें। बिना द्वेष, बिना पक्षपात, बिना जातपात, धर्म लिंग के भेदभाव के बिना देश में एक नियम के अनुसार वैक्सीन लगाया जा रहा है। लगभग 10 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लग चुका है, लेकिन जो लोग खुद दौड़ में पीछे रह गए, जिन्हें नाचना नहीं जानता, जिनसे प्रबंध नहीं हुआ, उनके लिए ये आंगन टेढ़ा है। और भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस महामारी की जंग में आगे भी बढ़ेगा और जीतेगा भी। इस समय लूट, घसूट और घूसखोरी, ये तीन मंत्रों पर सरकार चल रही है और इन तीन मंत्रों को पूरा करने के लिए तीन हथियार हैं: रंगदारी, वसूलखोरी और तहदारी, महीनादारी और वसूलियों का टोला महाराष्ट्र से लूट रहा है महाराष्ट्र की आम जनता को, जिन्होंने आया था वोट देकर। चाहे वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ठाकरे सरकार सीबीआई से डरी हुई है, और उन्होंने क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। दिन में समाप्त हो जाएगा, मृत्यांक बढ़ रहा है, और उस समय पर कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना वैक्सीनेशन की गंदी राजनीति कर रही है। 1,06,00,000 वैक्सीन दिए, सिर्फ 82,00,000 का उपयोग हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है वैक्सीनेशन में भेदभाव नहीं होगा। ठाकरे सरकार थोड़ा कोविड के लिए भी काम करो। उच्च न्यायालय ने ठाकरे सरकार के पाए गाल पे और सुप्रीम कोर्ट ने दैने गाल पे तमाचा मारा। आखिर ठाकरे सरकार सीबीआई जांच से भयभीत क्यों है? 2,000 करोड़ की सचिन वाजे वसूली गैंग के लाभार्थी की सूची बाहर आएगी, उसका डर उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार को लग रहा है। सीबीआई जांच कर रही है, एनआईए कर रही है, आवश्यकता पड़ेगी तो ईडी भी जुड़ जाएगी। और 2,000 करोड़ कहां से आए, कहां गए? अनिल देशमुख से लेके एनसीपी के और कौन से नेता है, अनिल परब से लेके मुख्यमंत्री कार्यालय में पैसे कहां से कैसे गए, उसकी जानकारी सीबीआई पा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि गरीब, अशिक्षित लोगों का काला जादू और अंधविश्वास का डर दिखाकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिका प्रसार के उद्देश्य से दाखिल की गई है। कोर्ट ने कहा कि देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अपना धर्म चुनने का अधिकार है और देश का संविधान उन्हें यह अधिकार देता है।
इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने रमजान और नमाज को लेकर एडवाइजरी जारी की है। उनका कहना है कि कोविड 19 के बढ़ते मामले और नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद रमजान में डेढ़ पारे की तरावीह की नमाज का इंतजाम किया जाए ताकि नमाज में शामिल लोग नाइट कर्फ्यू लगने से पहले अपने घरों को पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल रमजान मुबारक का चांद 12 अप्रैल को देखा जाएगा। अगर चांद हो जाता है तो पहला रोजा 13 वरना तो पहला रोजा 14 अप्रैल 2021 को होगा। आप हजरात से गुजारिश है कि जो कि कोविड 19 के केसेस बढ़ रहे हैं तो रमजान मुबारक में भी कोविड 19 के प्रोटोकॉल का पूरा पास और लिहाज रखा जाए। जाहिर सी बात है रोजे फर्ज हैं, सभी को रोजे रखना लाजमी और जरूरी है। और उसी के साथ साथ जो कि कई शहरों में नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है, इस वजह से तरावी में इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि ईशा की नमाज अव्वल वक्त में करके फौरन ही तरावी की जमात शुरू कर दी जाए और किसी भी मस्जिद में डेढ़ पारे से ज्यादा ना पढ़ा जाए, जिससे कि 9 बजे तक सब लोग। बीजेपी ने उन्नाव में जिला पंचायत चुनाव के लिए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को भी उम्मीदवार बनाया है। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आराधना मिश्रा ने इस मुद्दे समेत अन्य मसलों पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, क्या उन्नाव की बेटी को न्याय मिल पाएगा जब सरकार ही कुलदीप सिंह और उनके परिवार को संरक्षण देती रहेंगी। मैं मानती हूँ कि ये दागी उम्मीदवारों की बात करना, जीरो टॉलरेंस की बात करना जो भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आई, वो उस मामले में भी उसको लेकर के भी विफल रही है। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दे देना, मैं मानती हूँ कि पूरी तरह से ये गलत है और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे और उनकी नीयत पे। मैं याद दिलाना चाहती हूँ 4 साल पूरे हो गए सरकार के, उत्तर प्रदेश में भी एंटी रोमियो स्क्वाड बना था, बड़ी वाहवाही लूटी थी सरकार ने। आज क्या हाल है? आज लगातार पूरी तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड कहीं दिखाई नहीं देता, विफल हो चुका है, लगभग समाप्त हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पहले उत्तर प्रदेश की जनता की बात करें, यहाँ की बेटियों पे जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं रोज होती चली जा रही, खासकर जो बच्चियां हैं उनके खिलाफ जो गंभीर मामले आ रहे हैं, हत्या बलात्कार के बाद हत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि पहले उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय करें, यहाँ के बेटियों को न्याय दिलाएं, फिर पश्चिम बंगाल में जाकर के इस तरह के भाषण देना चाहिए, इस तरह के बयान देना चाहिए। सबसे पहले प्राथमिकता वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की बेटियों के संरक्षण की है। कि ये तो लगातार WHO। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड अस्पताल के निरीक्षण के लिए इस वक्त पहुंचे हुए हैं और तमाम व्यवस्थाओं का यहां पर जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके पहले यहां पर समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए थे और इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ डॉक्टरों की टीम भी नजर आ रही है और तमाम पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के जो अफसर हैं उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। जिस तरह से कोरोना का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और इसी बीच एक्शन में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रभावित जिलों का दौरा करते भी नजर आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 8000 से ज्यादा मामले जो हैं वो इस वक्त दर्ज किए गए हैं और ऐसे में बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों, वैक्सीनेशन की रफ्तार पर तमाम अधिकारियों के साथ इस वक्त बैठक करते भी नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में रिटायर्ड IAS अफसर की अगर यहां पर बात करें तो यह बात हरियाणा की हो रही है। यहां पर आपको बताते चलें कि हरियाणा में नए राज्य चुनाव के आयुक्त के रूप में रिटायर्ड IAS धनपत सिंह को चुना गया है। IAS धनपत ने आज राज्यपाल के समक्ष अपने नए पद की शपथ ली। आपको बता दें मौजूद राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह का कार्यकाल अब खत्म हो चुका है। उनके स्थान पर राज्यपाल ने उनको राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में पद की शपथ दिलाई और इस अवसर पर
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल उपस्थित नजर आए। आपको बता दें, कार्यक्रम में कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के गाइडलाइन का पालन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा, मुख्य सचिव विजय वर्धन सहित कई अधिकारी नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह दमोह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दमोह का विकास पूरी तरह से रुक गया था, दमोह की योजनाएं कमलनाथ सरकार ने छिंदवाड़ा में शिफ्ट किया था। तो साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना पर हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, मुख्य रूप से दमोह का विकास हमारे चुनाव का मुद्दा है। कांग्रेस की सवा साल की सरकार में दमोह का विकास पूरी तरह से रुक गया था। दमोह की अनेक योजनाएं माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा शिफ्ट कर दी थी। जो योजनाएं हम लोगों ने शुरू की थी हमारी सरकार ने, उन सारी योजनाओं को रोक दिया गया था। इसलिए उन योजनाओं को फिर से प्रारंभ करना, उन कामों को जो रोके गए थे उनको फिर से प्रारंभ करना और दमोह का विकास तेज गति से करना, ये हमारे चुनाव का मुद्दा है। देखिए, जो स्थितियां हैं इस समय मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, इन परिस्थितियों में हम सबको लोगों की जीवन की सुरक्षा हमारे लिए ज़रूरी है और जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये निर्णय सरकार को लेना पड़े हैं। सरकार दोनों तीनों स्तर पर का प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जी आग्रह उपवास के माध्यम से जन जागरण करने का काम कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, हमारे हॉस्पिटल बढ़ना, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड बढ़ना, आईसीयू बढ़ना, टेस्टिंग की सुविधा बढ़ना, ये सारी जो मेडिकली सुविधाएँ हम लोग दे सकते हैं, वो मेडिकली सुविधाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे प्रदेश के हॉस्पिटल्स में दें, ये है। और तीसरा, लॉकडाउन के माध्यम से चैन को तोड़ना। तो जहाँ पर ज़्यादा एकदम केसों की स्थिति आ गई है वहाँ पर लॉकडाउन सरकार को करना पड़ रहा है और अभी छिंदवाड़ा छोड़ के बाकी जगह दो दिन का लॉकडाउन किया है। आगे जैसी परिस्थितियाँ होंगी फिर निर्णय सरकार वैसा करेगी। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ दिया है, चूँकि यहाँ पर आचार संहिता लगी हुई है और यहाँ के बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है और इसलिए निर्वाचन आयोग के ऊपर ये फैसला छोड़ा हुआ है, निर्णय छोड़ा हुआ है। वो जो निर्णय करेंगे उसके आधार पर दमोह में भी निर्णय होगा। दमोह के बारे में राज्य निर्वाचन भारत पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने फिर से नोटिस भेजा है। ममता पर केंद्रीय सुरक्षा बलों पर गलत बयानबाजी के आरोप में चुनाव आयोग ने दूसरी बार नोटिस भेजा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भाजपा की मदद करने और बंगाल के मतदाताओं को मतदान करने से रोकने का आरोप लगाती रही है। इसके पहले चुनाव आयोग ममता बनर्जी को सभी मुसलमान एकजुट होने वाले बयान पर भी नोटिस जारी किया गया था। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज़।